हेलो स्टूडेंट, मैं हूं धीरेंद्र। आपका मेरे चैनल मैथ्स मस्ती में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपने जो फर्स्ट पार्ट अपन ने बनाया था रैपिड रिवीजन के लिए राजस्थान बोर्ड 2020 जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसकी प्रिपरेशन के लिए कंपोजिट फंक्शन का कंप्लीट वीडियो बनाया था मैंने, तो उसमें आपको प्रीवियस ईयर के पिछले 5 सालों के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और बेसिक जो थोड़े रूल रेगुलेशन है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहा था कि सर थोड़ा वीडियो बड़ा है ये वो। अरे यार, वीडियो मैं बना रहा हूँ, तुम्हें तो कान में ईयरफोन ठूस के पढ़ना ही तो है, उसको इतना तो कर ही सकते हो कम से कम। तो चलिए नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2। अपने पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलो या इनवर्स सर्कुलर फंक्शन बोलो या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बोलो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी अपन देख लेते हैं प्रीवियस ईयर में अपने पास जैसे क्वेश्चन है 2015, 16, 17, 18 और 19 में आपको जो पूछे हुए हैं इसमें थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो झेल लेना भाई, ठीक है। पढ़ना है, मैं पढ़ा रहा हूँ यार, वीडियो तो मैं बना रहा हूँ ना, ठीक है। तो आपको बस पढ़ना है, बस इतना ध्यान रखना। कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट करके बताओ, मैसेज करो, जो भी है उसको अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये भाई 4 नंबर का जुगाड़ है, ध्यान रखना है, ठीक है। 4 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन, सीधी सी बात है, सेम पैटर्न पिछले 5 सालों से आ रहा है, तो इस साल भी आपको जब भी एग्ज़ाम होगा तो यही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो आपने 10th क्लास में टेबल पढ़ी थी तो वो तो आपको आनी चाहिए, नहीं आए तो सीख लेना हो, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री को लेके मैंने एक अलग से फॉर्मूले का एक वीडियो भी बनाया था अच्छा सा, तो आप जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेगी सेक इनवर्स के साथ, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, इन सब के साथ, और जो अपन की आइडेंटिटी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की वो देखने को मिलेगी। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे तो इनको सॉल्व करके किसी को प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, जैसे इस वाले में एक्स की वैल्यू बतानी है। अब जैसे इस वाले सेकेंड क्वेश्चन को अपन देखें तो ये डायरेक्ट आइडेंटिटी से हो जाएगा, टेन इनवर्स 3 + कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या है, π/2। तो टेन इनवर्स प्लस कोट इनवर्स इक्वल टू π/2 कब होता है, जब वो दोनों सेम होते हैं। मीन्स यहाँ अगर टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स होगा तभी आपके पास क्या होगा, π/2 होगा। अगर यहाँ पे मैं एक्स की जगह क्या लिख दूंगा, 2x लिख दूंगा, यहाँ पे 2x होगा तभी यहाँ पे क्या होगा, π/2। या मैं 2x/3 कर दूंगा, 2x/3 कर दूंगा तब भी जाके यहाँ पे क्या होगा, π/2 होगा। बस ये ध्यान रखना है ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे टेन इनवर्स 3 दिख रहा है तो यहाँ पे कोट इनवर्स 3 होगा तभी तो क्या होगा, π/2 होगा। यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। या फिर आप यहाँ पे आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो कि टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा, π/2। तो वो अपन इसमें अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एक ही बात है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि सॉरी टेन इनवर्स 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 माइनस कोट इनवर्स x आ जाएगा। तो π/2 माइनस कोट इनवर्स कितना होता है, टेन इनवर्स होता है, ये आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे अपन, ठीक है। और टेन इनवर्स आपके पास क्या आ जाएगा, 3। तो ये टेन इनवर्स और टेन इनवर्स कैंसिल, या फिर ऐसे बोलेंगे टेन इनवर्स इधर ट्रांसफ़र होगा तो क्या बनेगा, टेन बनेगा। तो टेन इनवर्स और टेन कैंसिल हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। डायरेक्ट भी बता सकते थे आप, ज़्यादा करने की दिक्कत नहीं है क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है सेक इनवर्स माइन, जो पहला क्वेश्चन बता देता हूँ 2015 में पूछा हुआ था, ये 2016 में पूछा हुआ आपको, सेक इनवर्स -2 माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें अपने पास 3 फंक्शन जो है कौन कौन, कोस इनवर्स और कौन कोट इनवर्स और आपके पास सेक इनवर्स जो है, उनके पास अगर आपके पास क्या दिख रहा है आपको, x, और वो आपका x क्या है, नेगेटिव है। चलिए मैं अलग अलग लिख देता हूँ, x आपके पास क्या है, नेगेटिव है, तो वो हमेशा क्या करेगा, पाई को छोड़ के जाएगा। तो क्या आएगा, पाई माइनस क्या बनेगा, कोस इनवर्स x बनेगा। सेम यहाँ पे क्या आएगा, पाई माइनस कोट इनवर्स x बनेगा, और यहाँ पे पाई माइनस आपके पास क्या आएगा, सेक इनवर्स x आएगा। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। और फिर आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उनमें कौन कौन सी वैल्यूज़ किस किस की है, तो यहाँ आप देखोगे कि जो वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रही है, -2 दिख रही है, किसके साथ, सेक इनवर्स के साथ। तो सबसे पहले तो क्या करना है, इसको करना है पाई माइनस सेक इनवर्स क्या हो जाएगा, 2। अब ये ध्यान रखना है, कई बच्चे नेगेटिव को देख के पाई माइनस सेक इनवर्स तो कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे वापस -2 कर देते हैं, उसके बाद -2 नहीं आएगा, +2 आएगा। माइनस एक्स था तो वहाँ पे मैंने एक्स ही लिखा है, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ -sin इनवर्स 1/2 है,
ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, पाई माइनस यहाँ पे सेक इनवर्स जो 2 वैल्यू है वो आपको किसकी देखने को मिलेगी, पाई बाई 3 की देखने को मिलेगी, 60 डिग्री की। ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 60 डिग्री हो जाएगा, और 1/2 साइन में किसकी देखने को मिलेगी वैल्यू, 30 डिग्री की हो जाएगी, तो उसको मैं लिख देता हूँ पाई बाई 6। तो यहाँ पाई बाई 3 कितना हो गया 60, और ये कितना हो गया 30, और ये कितना है 180, तो 180 माइनस 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो कितना बचेगा वापस 90 मतलब पाई बाई 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट आपके पास जो थर्ड क्वेश्चन है, 2017 में आपसे पूछा गया था कि टेन इनवर्स 1/√3 माइनस कोट इनवर्स 1/ माइनस 1/√3 है, तो कोट इनवर्स के साथ मैंने अभी बताया आपके पास कि आपको सॉरी कि कोस इनवर्स कोट इनवर्स और सेक इनवर्स के साथ माइनस आ गया तो आपको क्या करना है। तो यहाँ पे आपके पास है टेन इनवर्स 1/√3, ये माइनस है, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक ब्रैकेट बना लो छोटा सा, कोट इनवर्स माइनस एक्स होता है, तो क्या करते हैं पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, अब यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि टेन इनवर्स 1/√3 है वो किसकी वैल्यू होती है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा इसमें जैसे डायरेक्ट बताया तो इसमें थोड़ा सा अलग तरीका बता देता हूँ। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, टेन 30 डिग्री की, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1/√3 की जगह टेन पाई बाई क्या आ जाएगा अपने पास 6 माइनस पाई माइनस कोट इनवर्स 1/ क्या है आपके पास 3, तो ये किसकी होगी, सीधी सी बात है ये 30 की है तो ये किसकी होगी 60 की होगी, कोट पाई बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन इनको आपस में क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा पाई बाई 6 माइनस, यहाँ क्या माइनस अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे तो माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, कोट इनवर्स और कोट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा पाई बाई 3, तो यहाँ पे फिर से 30 और 60 अपने पास कितने हो गए 90, 90 माइनस 180 करेंगे तो फिर क्या आएगा 90 आएगा पाई बाई 2 किसका माइनस का, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास फोर्थ क्वेश्चन है, मैं एक बार चौंक ले लेता हूँ, जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी सिंपल है आपके पास है। उसमें है साइन इनवर्स 1/2 प्लस 2 कोस इनवर्स 1/2, तो इसमें 1/2 वैल्यू किसकी होती है, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। साइन इनवर्स 1/2 है तो 1/2 वैल्यू किसकी होती है आपके पास पाई बाई 6 की 30 डिग्री की, और वही वैल्यू किस में दिख रही है आपको कोस में दिख रही है, तो वो किसकी होगी 60 की, तो उसको मैं क्या लिख देता हूँ पाई बाई 3 लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ आपके पास कितना हो गया 30, यहाँ पे कितना हो गया 60, 60 को किससे गुणा कर दिया आपने 2 से, तो कितना हो गया 120, 120 में किसको ऐड कर दोगे आप 30 को, तो क्या बन जाएगा 150, तो 150 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये फिर आप चाहो तो एलसीएम लेके इसको देख लो कि भैया रेडियन में अपन 150 को कैसे लिखते हैं। तो यहाँ मैंने 6 एलसीएम ले लिया, तो ये क्या हो गया पाई प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 पाई आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 पाई बाई क्या बन जाएगा 6, पाई बाई 6 कितना होता है अपने पास 30, तो 30 × 5, तो 30 × 50 कितना हो जाएगा 150 डिग्री हो जाएगा आपके पास। ठीक है, 150। वैसे आपका जो फॉर्मेट है उसमें आपको रेडियन में ही आंसर लिखना है, क्योंकि रेडियन में ही सब कुछ दिया हुआ है, ये आप 150 या 30 60 ये ऐड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास वो भी सिंपल है, उसमें है साइन टेन इनवर्स 1 प्लस, यहाँ पे ध्यान रखना साइन है, साइन इनवर्स नहीं है, ब्रैकेट में क्या टेन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स 1/√2, तो यहाँ साइन आ जाएगा, और टेन इनवर्स 1 वैल्यू किसकी होती है टेन में पाई बाई 4 की, और यहाँ कोस इनवर्स 1/√2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वापस पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 क्या हो जाएगा पाई बाई 2, 45 कितना हो जाएगा 90, 90, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये एक नंबर आप आराम से ले सकते हो। अपन अब अगले क्वेश्चन करते हैं जो थोड़े लेंथी होते हैं, जो 3 नंबर में पूछे जाते हैं, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था 4 नंबर का जुगाड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपको पूछे जाते हैं 3 नंबर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें 2015 में जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको 2 क्वेश्चन रहते हैं ऑप्शन में कि या तो आप ये वाला क्वेश्चन करो या ये वाला क्वेश्चन करो, तो 2015 में जो दोनों क्वेश्चन आए हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद में ऐसे ही 16 के 17 के 18 के 19 तक के अपन करेंगे। ठीक है, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन जो थे उसमें कोई ऑप्शन नहीं रहता है, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास छठा, वो 2015 में पूछा गया था 2 tan inverse 1/2 plus tan inverse 1/7,
इक्वल टू टेन इनवर्स 31/17, ऐसा आपको प्रूव करना है। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके पास, कि या तो आप प्रूव करो या फिर आपको क्या करना है उसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको प्रूव करना है, अपने को सिद्ध करना है। तो अपन क्या करते हैं, इसका इधर वाली साइड ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो अपने पास आ जाएगा 210 inverse 1/2 प्लस 10 inverse 1/7। और जो अपना फाइनल आंसर आ रहा है आपके पास, जो अपने को प्रूव करना है, वो किस में दिख रहा है आपको, 10 इनवर्स में ही दिख रहा है। तो सिंपल है, बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि 210 इनवर्स है। तो सबसे पहले 210 इनवर्स को अपन किस में कन्वर्ट कर लेंगे, 10 इनवर्स में। तो 210 इनवर्स एक्स को अगर अपन 10 इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, 2x/1 - x2। और यहाँ अपने पास एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, 1/2। तो यहाँ पे अपन फॉर्मूले में पुट करके एक्स की वैल्यू इसको 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। एक्स की जगह मैं क्या रख दूंगा, 1/2। और यहाँ 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4। तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स। यहाँ पे तो क्या हो गया, 1, और डिवाइड में है 1 - 1/4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 - 1, तो क्या आ जाएगा, 3/4। तो ये क्या बन जाएगा, 4/3। तो 210 इनवर्स 1/2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 10 inverse 4/3। अब अपना जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 4/3 और फिर यहाँ 10 inverse 1/7। अब यहाँ अपन इसको 210 इनवर्स से 10 इनवर्स में चेंज करने वाला फॉर्मूला जो है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का, वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। उस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy, तो 4/3 और 1/7। फॉर्मूले आपको आने चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चन को नहीं सोल्व कर पाओगे, ठीक है, ये तो इनकी रिक्वायरमेंट है ही। अब यहाँ पे मैं LCM ले लूँगा 3 का और 7 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 × 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 28, और यहाँ कितना हो जाएगा, 3। और यहाँ सेम अपन 7 × 3 का ही LCM ले लेंगे। मैं LCM लिख नहीं रहा क्योंकि वो क्या हो जाएगा, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन बनेगा तो LCM हमेशा क्या हो जाता है, कैंसिल। तो यहाँ 7 × 3 कितना हो जाएगा, 21 माइनस कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो यहाँ आपको क्या आ जाएगा, 17 देखने को मिल जाएगा। तो 28 + 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 31/ कितना आ जाएगा, 17। तो वही आपका क्या है, RHS। तो ये प्रूव हो जाएगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसी में आपको 2015 में इसके और में अपने पास क्वेश्चन था, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी प्रूव करना था कि 10 inverse √1 + x + √1 - x / √1 + x - √1 - x। और इसका जो आंसर है वो क्या है, इक्वल टू x/4 + ½ cos inverse x। तो आंसर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, कोस इनवर्स एक्स दिखाई दे रहा है। सॉरी, ये एक्स बाई फोर नहीं होगा, मिसप्रिंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, पाई बाई फोर होगा, ठीक है, ध्यान रखना। हाफ कोस इनवर्स एक्स है, तो यहाँ वन की किसके साथ दोस्ती नहीं होती है, आपको बताया हुआ है बहुत बार, एक्स के साथ नहीं होती है। और आंसर में भी आपको क्या दिख रहा है, कोस इनवर्स दिख रहा है, तो अपने को क्या करना है, एक्स की जगह कोस पुट करना है। तो यहाँ एक्स की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, कोस थीटा। आप कोस थीटा भी कर सकते हो, कोस 2 थीटा भी कर सकते हो, कोस 3 थीटा भी कर सकते हो, बस आपको कोस पुट करना है, ये ध्यान रखना है। मैं 2 थीटा पुट कर देता हूँ ताकि इसको सॉल्व करें तो वहाँ पे θ/2 जैसी कंडीशन नहीं बने, ठीक है। तो x इक्वल टू कोस 2 थीटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वापस थीटा की वैल्यू निकालूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब ये वैल्यू मैं क्वेश्चन में पुट कर देता हूँ। इसमें भी अपन किसको चूज कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को, LHS को। यहाँ √1 + x, x की जगह क्या आ जाएगा, कोस 2 थीटा प्लस √1 - x, तो 1 - cos 2 थीटा। अब फोन में आपको वापस वैल्यू पुट करनी है, तो क्या आ जाएगा, 1 + cos 2 थीटा माइनस √1 - cos 2 थीटा। इस तरीके से पुट कर देंगे, उसके बाद में अपन 1 और कोस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। मेरे हिसाब से सब लोगों को पता होगा, 1 + cos 2 थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, 2 cos²θ। यहाँ पे रूट है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 sin²θ, उस पर भी रूट आ जाएगा, और यहाँ पे फिर से 2 cos²θ, और यहाँ पे 2 sin²θ। तो इस टाइप से आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो इन सब जगह अपने पास क्या बन गया, स्क्वायर। तो ये सब क्या होंगे, रूट से बाहर आ जाएंगे, और साथ में क्या मिलेगा सबके, √2।
जैसे स्क्वायर से यहाँ पे रूट कैंसिल हो जाएगा तो कोस रूट से बाहर आ जाएगा, या स्क्वायर से आपके पास से रूट कैंसिल हो जाएगा तो साइन बाहर आ जाएगा, ये रूट टू सबके पास आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से कोस स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब रूट टू सबके साथ दिख रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब भी ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ पे क्या है कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन आपके पास वापस क्या है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये क्वेश्चन भी आपके पास सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो अब अपने को ध्यान रखना है कि बाहर क्या चल रहा है, टेन इनवर्स, तो कोस को और साइन को यूज़ करके अपने को क्या बनाना है, टेन। तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम चीज़ से डिवाइड कर देंगे, किससे, कोस से, तो अपने पास क्या बन जाएगा, टेन बन जाएगा। या आप ऐसे बोल सकते हो कि आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से, अंश में से और हर में से किसको कॉमन लेना है, कोस को। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, वन प्लस टेन थीटा और अपॉन में क्या आ जाएगा, वन माइनस टेन थीटा, और ये किसकी वैल्यू है, टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा की। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा डायरेक्ट वैल्यू, टेन इनवर्स, या वन है ना, वन किसकी वैल्यू है, टेन पाई बाई फोर की, तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, तो क्या आएगा, पाई बाई फोर प्लस क्या आएगा, थीटा। तो टेन इनवर्स और टेन क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसिल, तो आपको क्या मिलेगा, पाई बाई फोर प्लस क्या आएगा, थीटा, और थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे वापस पुट कर दूंगा तो वो क्या आ जाएगा, वन बाई टू कोस इनवर्स एक्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आरएचएस फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप करके तीन नंबर है वो पूरे ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 8 और 9, जो आपको 2016 में पूछे गए थे ऑप्शन में। टेन इनवर्स 2/9 प्लस टेन इनवर्स 1/4 इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स 4/5। तो इसमें थोड़ा सा आपको ट्विस्ट देखने को मिलेगा कि दोनों टेन इनवर्स है और आपको जो प्रूव करना है वो आंसर किस में है, साइन इनवर्स में, और उसके साथ क्या दिख रहा है आपको, 1/2। तो सबसे पहले मैं सेम वापस LHS को ले लेता हूँ और LHS में वापस टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के उसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो टेन इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2/9 प्लस 1/4 और एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये अपन यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में 9 और 4 36 अपना एलसीएम आ जाएगा, उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ तो क्योंकि वो वापस अभी बताया था कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, 2, तो ये कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 9/1, तो ये कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ कितना हो जाएगा, 36 माइनस 2, ये कितना आ जाएगा, सॉरी 36 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 10 इनवर्स 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17/34। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 17/34 है तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 इनवर्स 1/2, ठीक है। अब अपना जो आंसर है वो किस में दिख रहा है आपको, 1/2 साइन इनवर्स 4/5 में। तो अपने को 1/2 और चाहिए तो वो अपने पास है नहीं है तो अपन बना लेंगे। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको 2 से डिवाइड और 2 से क्या कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई, तो 10 इनवर्स 1/2 इस तरीके से बन जाएगा। ये 1/2 तो मुझे चाहिए क्योंकि ये जो RHS है उसमें है, और इस 2 10 इनवर्स 1/2 को मैं किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, साइन इनवर्स में। तो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट अपने पास फॉर्मूला होता है कि 2 tan inverse x से अपन किस में जा सकते हैं, साइन इनवर्स में। वो क्या होता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस क्या आ जाएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ अपने पास 1/2 कांस्टेंट है, ठीक है, एज इट इज है, और 2 tan inverse 1/2 को मैं किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, साइन इनवर्स में। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x, x की वैल्यू क्या है, 1/2, और 1 प्लस x स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो ये 1/2 साइन इनवर्स, ये 2 कैंसिल हो जाएगा अपने पास, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 5, और ये 4 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो ये आपका क्या आ जाएगा, RHS आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हो। अगर यार वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, वो भी पढ़ लेंगे कुछ, सही है। चलिए नेक्स्ट जो 9th क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी आपको ये आपकी बुक में देखने को नहीं मिलेगा, पहले जो बुक चल रही थी उसमें था ये, क्योंकि ये 2016 में आया हुआ है।
अभी आपका सिलेबस चेंज हो गया था, ठीक है। तो 2 tan inverse sin x = tan inverse 2 sec x, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आपकी बुक में नहीं है, इसका मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि आपको मतलब पूछा नहीं जाएगा, तो इसको सॉल्व करना है। मीन्स अभी मैंने आपको स्टार्ट करा था तब बताया था कि दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, प्रूव करना है और सॉल्व करना है। और जो फर्स्ट मतलब 1 to 5 अपन ने करे थे, जो एक एक नंबर में आते हैं, उसमें मोस्टली क्या पूछता है, प्रिंसिपल वैल्यू पूछता है, ठीक है, मुख्य मान याद करने होते हैं। और इसमें सॉल्व करना है, मीन्स अपने को सॉल्व करके क्या करनी है, एक्स की वैल्यू बतानी है। और एक कंडीशन भी गिवन है अपने पास कि एक्स की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और पाई बाई 2 से क्या है, छोटी है। तो यहाँ इसको मैं सॉल्व करने के लिए 2 tan inverse यहाँ पे क्या है साइन एक्स, इसको एज इट इज़ रख लेता हूँ। यहाँ 10 inverse 2 यहाँ पे क्या है सेक है, तो इसको मैं कोस में चेंज कर लूँगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 upon cos, तो ये क्या हो जाएगा 2 upon cos x, मल्टीप्लाई में 2 है ना। अब यहाँ 2 tan inverse है, तो 2 tan inverse को मैं किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 10 inverse में, ताकि दोनों साइड 10 inverse कैंसिल हो जाए और फिर x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, ठीक है। तो 2 tan inverse से 10 inverse में जाने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या है, 2x upon 1 minus x square। तो यहाँ x की जगह आपको कौन दिखाई दे रहा है साइन, तो ये क्या हो जाएगा 2 sin upon 1 minus sin square। अभी अपन ने जब क्वेश्चन किया था लास्ट वाला, तो उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई किया था कि 2x upon 1 minus x square, तो यहाँ x की जगह साइन है तो साइन आ जाएगा, और 10 inverse 2 upon क्या हो जाएगा आपके पास cos x, और दोनों साइड आपको क्या दिख रहा है 10 inverse, तो वो कैंसिल हो जाएगा। और 2 upon sin x, सॉरी 2 into sin x अपॉन क्या दिख रहा है 1 minus sin square, तो 1 minus sin square क्या हो जाएगा आपके पास cos square, और यहाँ पे 10 inverse कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos x। तो cos की एक पावर से अपन एक पावर यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, तो चलिए मैं cos की एक पावर से क्या करता हूँ, एक पावर कैंसिल कर देता हूँ, तो यहाँ आपको क्या देखने को मिल जाएगा 2 sin x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 2 cos x। 2 sin x = एक पावर कैंसिल करने के बाद में यहाँ पे क्या आ गया 2 cos x, तो 2 से 2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो sin x = क्या आ जाएगा आपके पास cos x आ जाएगा, और sin x = x हो जाएगा। और sin x = cos x कब होता है, पाई बाई 4 पे, या फिर आप ऐसे देख सकते हो कि cos को नीचे ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा 10x = 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई बाई 4। कुछ हद तक ये भी ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है कि आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो कभी भी आपको जैसे यहाँ डिवाइड में क्या था cos स्क्वायर और यहाँ क्या था cos, तो आपने इसकी पावर को कैंसिल कर दिया। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आपको 2 वैल्यू मिलेगी, अगर क्वेश्चन में कंडीशन नहीं हुई अपने पास तो x की अपने को 2 वैल्यू देखने को मिलेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत बार आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऐसे भी करना पड़ सकता है, जैसे यहाँ पे मैं cos स्क्वायर और cos है तो इसको कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 sin x, और ये यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा cos x, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 cos square x, तो 2 से 2 आपके पास क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ आपके पास है sin x cos x, और माइनस क्या आ जाएगा cos square x = 0। तो इस टाइप की आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, तो इसमें से आपको क्या करना है cos x को कॉमन लेना है, तो क्या बनेगा sin x - cos x = क्या आएगा 0। तो 2 फैक्टर बन गए, या तो cos की वैल्यू आपके पास क्या होगी 0, या फिर sin x - cos x = क्या होगा 0। तो जब sin x - cos x 0 होने का मतलब sin = cos है, जैसी कंडीशन यहाँ बनी थी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास पाई बाई 4। इस टाइप की कंडीशन बनती है, sin x = cos x हो गया तो x की वैल्यू पाई बाई 4, और cos x की वैल्यू क्या हो रही है आपके पास 0। तो cos की वैल्यू आपके पास 0 कहाँ होती है 90 डिग्री पे, cos की वैल्यू 0 कहाँ होती है 90 डिग्री पे। तो ये भी आपका एक क्या है आंसर है कि cos की वैल्यू आपको क्या मिल रही है 0, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल कर दोगे तो आपका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा पाई बाई 4, बट अगर आप इस फॉर्मूले को फॉलो करोगे, यहाँ पे कैंसिल नहीं करोगे, तो आपको 2 आंसर मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपके अपने पास कंडीशन है कि 0 से π/2 के बीच में देखना है, तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा π/4। ओके, नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 10 और 11, ये आपको 2017 में पूछे गए थे ऑप्शन में। तो sin inverse 3/5 + sin inverse 7/25 = cos inverse 3/5, ऐसा प्रूव करना है। तो जो दोनों आपको LHS में गिवन है वो sin inverse है, और जो RHS में जो आपको प्रूव करना है वो आपका क्या है cos inverse है। तो 2 sin inverse से आपको 1 sin inverse बनाने का फॉर्मूला आना चाहिए। तो LHS में आपके पास है sin inverse 3/5 + sin inverse ये हो जाएगा sin inverse 7/25। तो फॉर्मूला अपने पास है sin inverse x + sin inverse y का
क्या फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ अपन वैल्यू पुट कर देंगे एक्स और वाई की, तो 3/5 है वो अपना एक्स हो जाएगा और 7/25 अपना वाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अपने पास आ जाएगा एक्स, तो एक्स की वैल्यू 3/5 और रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाए 7 का स्क्वायर 49, 25 का स्क्वायर 625, 625 हो जाएगा। प्लस वाई है आपके पास वापस 7/25, वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 9/25। ठीक है, अब साइन इनवर्स 3/5, अब यहाँ आपको क्या करना है 625 माइनस से 49, तो आपको क्या करना है 25 के स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर माइनस करना है। 625 में से जब आप 49 माइनस करोगे तो क्या आएगा 576, तो किसका स्क्वायर बन जाएगा 24 का, तो 24 का स्क्वायर अपॉन 25 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 24/25। जब आप 625 में से 49 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 625 में से 49 करोगे तो 576 आ जाएगा, ये किसका स्क्वायर होता है 24 का स्क्वायर, तो रूट हटा देंगे तो 24/25 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 7/25 और 25 में से जब 9 जाएगा तो 16 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4/5। अब अपन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो 25 इंटू 5 और 25 इंटू 5, तो ये अपन एलसीएम ले लेते हैं 25 इंटू 5, यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 24, तो यह कितना हो जाएगा 24 को जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 3 कितना हो गया अपने पास 12, 6 और ये कितना हो गया 7, 72 और यहाँ कितना आ जाएगा 28। साइन इनवर्स यहाँ अपन इनको ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 100। ठीक है, तो 100/25 क्या आ गया 5, तो 25 को और 100 को कैंसिल कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4/5। तो साइन इनवर्स की वैल्यू क्या है 4/5 और आंसर में क्या चाहिए कोस इनवर्स, तो साइन इनवर्स किस किस का रेशियो होता है, ये तो टेंथ वाली बात है ना, ये कितना हो गया अपने पास हाइपोटेनियस कर्ण कितना हो गया 5 और ये लंब परपेंडिकुलर कितना हो गया 4, तो बेस कितना हो जाएगा आपके पास 3। अगर इसको कोस इनवर्स में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस आधार बट्टा कर्ण, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा कोस इनवर्स में, तो ये आपका आंसर आ जाएगा प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 2017 में ही पूछा हुआ है, इसमें आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है मींस अपने को क्या करना है एक्स की वैल्यू बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको 1/2 दिख रहा है तो इसको मैं इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, क्यों 1/2 टेन इनवर्स का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 tan inverse 1 - x / 1 + x, तो यहाँ आपके पास हो जाएगा tan inverse x, तो 2 tan inverse अपन क्या बना लेंगे टेन इनवर्स, क्या फॉर्मूला था 2x, तो x की जगह 1 - x / 1 + x, फॉर्मूला याद है ना 2 tan inverse को tan inverse में कन्वर्ट करने के लिए क्या आएगा 2x/1 - x² और अपने x की वैल्यू क्या है 1 - x/1 + x, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है tan inverse x, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास कैंसिल और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 2x और यहाँ आ जाएगा 1 + x डिवाइड में 1 + x, एलसीएम ले लूँगा मैं यहाँ पे क्या करूँगा स्क्वायर अलग अलग कर देता हूँ इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + x² 1 - x² अपॉन 1 + x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको x। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें अपन, तो 2 - 2x अपॉन 1 + x इंटू 1 + x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और डिवाइड में आपके पास आएगा 1 + x का होल स्क्वायर माइनस 1 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है x, तो ये उल्टा हो जाएगा चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 + x 1 है यहाँ 2 है तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को 1 + x से करूँगा तो 2 + 2x आ जाएगा, 2 को 1 से करूँगा तो 2 और 2 को x से करूँगा तो 2x, -2x को 1 से करूँगा तो क्या आएगा -2x और -2x को जब x से करूँगा तो क्या आएगा -2x²
और डिवाइड में आपके पास जो चल रहा है उसको और थोड़ा सिंपलीफाई कर लो, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x, और माइनस यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर यहाँ पे माइनस 2x इक्वल टू क्या दिख रहा है एक्स, तो यहाँ प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस जब ब्रैकेट में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये फिर से माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 माइनस 2x स्क्वायर, और डिवाइड में आपके पास क्या आया है 2x प्लस 2x, तो ये क्या हो जाएगा 4x, और 4x को जब अपन इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर, और माइनस 2x स्क्वायर जब 4x स्क्वायर के पास आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 6x स्क्वायर, और 6x स्क्वायर है तो x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 2/6, x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 1/3, और x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 1/√3। तो आपको ध्यान रखना है कि x की वैल्यू है वो प्लस 1/√3 होगी, माइनस रूट थ्री है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जो आपको 2018 में पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपकी बुक में जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें एग्जांपल है, उसको थोड़ा सा सॉल्व करके दे दिया, उसमें आपके पास साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स 2x है, तो उसको थोड़ा सा सॉल्व करके अपन कोस इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो ये एक आगे का स्टेप दे दिया। आपको ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपके पास साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x आता है तो सीधी सी बात है इसको सॉल्व करना है, और x की अपने को क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके पास आता है तो साइन इनवर्स में फॉर्मूला आपको कभी भी नहीं लगाना है, क्योंकि वहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ अपने को कोस इनवर्स दिख रहे हैं, तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई वाला जो फॉर्मूला है उसको अपन यूज़ कर लेंगे। फॉर्मूला अपने पास है कोस इनवर्स एक्स वाई, यहाँ प्लस है तो कोस में क्या आता है माइनस, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ आपको x की जगह x ही पुट करना है और y की जगह कितना पुट करना है 2x, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा कोस इनवर्स x की जगह x आ जाएगा और y की जगह क्या आ जाएगा 2x, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर की जगह 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू 2π/3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कोस इनवर्स को जब मैं RHS में ट्रांसफ़र कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा कोस 2π/3, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया एक्स इंटू 2x क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, ये आ जाएगा कोस 2π/3। तो यहाँ कोस 2π/3, पाई बाई थ्री कितना होता है अपने पास 60 इंटू 2 कितना हो गया 120, तो सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया, और कोस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, तो इसको क्या लिख देंगे 90 प्लस 30 लिख देंगे अपन 120 को, तो कोस 90 प्लस थीटा आपके पास क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस 1/2 है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ आपको देखने को मिलेगा 2x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 1/2 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1/2, और यहाँ रूट वाले टर्म्स को अपन एक साइड ले लेंगे क्योंकि रूट को अपने को रिमूव करना है, तो अब दोनों साइड क्या कर देंगे अपन स्क्वायर, तो अपने को x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ अपन 2x स्क्वायर प्लस 1/2 का दोनों साइड अपन क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं डायरेक्ट स्क्वायर करके ही लिख देता हूँ, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4x की पावर 4 और 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस आपके पास क्या आएगा 2ab, तो 2 इंटू 2x स्क्वायर और इंटू 1/2, और यहाँ इन दोनों का आपके पास स्क्वायर है वो जो रूट है वो स्क्वायर से क्या हो जाएगा कैंसिल। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, अपने पास आ जाएगा 4x की पावर 4 1/4 और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास केवल क्या बचेगा 2x स्क्वायर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1 से करेंगे तो 1 माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x की पावर क्या आ जाएगा 4, तो 4x की पावर 4 से 4x की पावर 4 आपके पास क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास है 1/4 प्लस 2x स्क्वायर, तो 1/4 प्लस क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या देखने को मिलेगा 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर।
तो यहाँ आपको दिख रहा है 2x² - 4x² - x², तो ये तो क्या हो जाएगा, 4x² - x² क्या हो जाएगा यहाँ पे 5x², इसको मैं हटा देता हूँ और इसको मैं और इधर लेके आ जाऊँगा, तो यहाँ पे 1/4, ये आपको 1 दिखाई दे रहा है तो यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ पे -5x² है और इसको मैं इधर ले आऊँगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का 2x². अब 1/4 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, -3/4 और ये -7x², तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और x² की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3/7 × 4 = 28 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए अपन इसका रूट ले लेंगे तो 3/7 × 4 आ जाएगा, तो रूट के अंदर आपको क्या मिलेगा, 3/7, ये 4 है डिवाइड में है तो ये बाहर आ जाएगा और वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस। बट आपको ध्यान रखना है कि जो प्लस वाली वैल्यू है वही इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, माइनस वाली है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 13 2018 में पूछा हुआ था, सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस सेक इनवर्स एक्स अपॉन बी इक्वल टू सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए। अब इस क्वेश्चन में भी जब आप लास्ट में एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दो वैल्यू मिलेगी। तो अभी आपने अपन ने जब पिछले वाले क्वेश्चन भी किए थे तो उसमें आपने नोटिस करा होगा कि जब दो वैल्यू मिलती है तो मैं पॉजिटिव वैल्यू को ही क्यों कंसिडर करता हूँ, नेगेटिव वैल्यू को क्यों कंसिडर नहीं करता हूँ, और इस टाइप के क्वेश्चन है वो हर बार बोर्ड में आपको पूछे जा रहे हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, मैं लास्ट में आपको बताऊँगा कि ऐसा आपके पास क्यों होता है, तो ये आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसको कर लेते हैं। अब यहाँ पे सेक दिख रहा है तो सेक से रिलेटेड अपने पास कोई फॉर्मूला है नहीं, तो अपन इनको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, कोस इनवर्स में, और लास्ट में अपने को क्या करना है, सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि क्वेश्चन में सर प्रूव करना है या उसको सॉल्व करना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। वैसे क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, गिवन होता है, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट ठीक से नहीं पढ़ते हैं जल्दीबाजी में तो उनकी मिस्टेक हो जाती है, ध्यान रखना। तो सेक इनवर्स को क्या लिख सकते हैं अपन, कोस इनवर्स यहाँ पे क्या है, एक्स अपॉन ए है तो ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन एक्स, यहाँ पे हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स अपॉन बी की जगह क्या हो जाएगा, बी अपॉन एक्स हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ हो जाएगा कोस इनवर्स 1/b और यहाँ पे हो जाएगा कोस इनवर्स 1/a। अब आपको ध्यान रखना है कि आप ए ए वाली टर्म को और बी बी वाली टर्म को क्या करो, एक साथ ले लो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अपन जब सॉल्व करेंगे तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने में अपने पास आसानी होगी। तो यहाँ हो जाएगा कोस इनवर्स ए अपॉन एक्स और यहाँ आपको क्या दिख रहा है, माइनस कोस इनवर्स 1/a, तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस कोस इनवर्स 1/a और यहाँ हो जाएगा कोस इनवर्स 1/b और प्लस कोस इनवर्स बी अपॉन एक्स। अब आप कोस वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला है वही अप्लाई करना है। तो क्या होगा वो एक्स वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई, वाई कितना है अपना 1/a, हमें प्लस दिख रहा है तो क्या आएगा उसमें माइनस, तो 1 - a² x² रूट में और 1 - 1/a का स्क्वायर रूट में, और सेम इसी तरीके से यहाँ अप्लाई कर देंगे तो 1/b और b अपॉन एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस है तो फिर माइनस आ जाएगा रूट 1 - 1/b² का रूट आ जाएगा और रूट में आपको आ जाएगा फिर से b² / x². अब यहाँ कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, इसका झंझट ख़त्म हो गया, यहाँ पे a a वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, इसीलिए देखो यहाँ पे a और a कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे b और b कैंसिल हो रहा है, इसीलिए मैंने क्या करा था, ए वाली टर्म को और बी वाली टर्म को एक साइड कर लिया था, ठीक है। यहाँ आपके पास आ जाएगा 1/x रूट में आपके पास बन जाएगा 1 - a² / x² और 1 - 1/a², ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 1/x रूट में 1 - 1/b² और रूट में 1 - b² / x², तो 1/x कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस आपस में कैंसिल होके प्लस हो जाएंगे, अब रूट वाली टर्म्स अपने पास दोनों साइड रह जाएगी, तो इसको अपन स्क्वायर करके हटा सकते हैं। तो जैसे ही अपन स्क्वायर करेंगे तो इनका रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, दोनों साइड अपन क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो कुछ इस तरीके से आपके पास ये बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
ठीक है, तो यहाँ मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ ब्रैकेट को, तो 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल में यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड आपको 1 दिख रहा है तो प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और बाकी सारी वैल्यूज़ को मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास आया माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल में आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। तो इन सारे टर्म्स में माइनस दिख रहे हैं तो सब में अपन माइनस कॉमन लेके इसको क्या कर सकते हैं, सबसे पहले प्लस कर देंगे और फिर एलसीएम ले लेंगे अपन ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का, या फिर आप एक काम और कर सकते हो, इनमें आप जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उनको साथ में लिख सकते हैं। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर या बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 अपॉन बी स्क्वायर और ये 1 अपॉन ए स्क्वायर इधर आ जाएगा तो माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ मैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों को एलसीएम में ले लेता हूँ तो यहाँ अपने पास फिर से क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आपको ध्यान रखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एलएचएस में भी दिख रहा है और आरएचएस में भी दिख रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, अब आपके पास बनेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगी, और यहाँ से जब अपन एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रटते यहाँ क्या आ जाएगा रूट, तो वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस ए बी। और आपको अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपको ध्यान रखना है कि वैल्यू क्या आएगी प्लस ए बी, तो माइनस ए बी होगी वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी वो मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 14 है और 15 है वो आपको 2019 में पूछे हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको गिवन है कोस इनवर्स फिर 2 टेन इनवर्स, और आपको जो प्रूव करना है वो आपको किस में मिल रहा है, साइन इनवर्स में मिल रहा है, तो यहाँ पे तीनों ही अलग अलग है, तो आपको ध्यान रखना है आप 2 टेन इनवर्स से डायरेक्ट कोस इनवर्स बना लो और दोनों कोस इनवर्स से एक कोस इनवर्स आ जाएगा, और फिर उस कोस इनवर्स को किस में चेंज कर लेंगे अपन, साइन इनवर्स में, जैसा कि अपने को आरएचएस में चाहिए। तो सबसे पहले मैं एलएचएस ले लेता हूँ इसकी लेफ्ट हैंड साइड, और उसमें आपको जो दिख रहा है कोस इनवर्स 63 अपॉन 65 प्लस 2 टेन इनवर्स 1 अपॉन 5, तो इस 2 टेन इनवर्स को अपन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट 2 टेन इनवर्स को अपन टेन इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन इनवर्स में भी और कोस इनवर्स में भी, इसके डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, तो अपन इसको कोस इनवर्स में चेंज कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ x की जगह अपन वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू आपके पास है 1 अपॉन 5, तो ये कोस इनवर्स 1 माइनस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर 1 अपॉन 25, और यहाँ पे फिर प्लस 1 अपॉन 25 आ जाएगा, और इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व कर लूँगा तो 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 24, और 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा 26, और इसको थोड़ा और अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 अपॉन 13, ठीक है। तो अब ये भी कोस इनवर्स में चेंज हो गया, तो अब अपना जो एलएचएस है वो इस टाइप से बन गया है, कोस इनवर्स 63 अपॉन 65 अपने पास था, और जो 2 टेन इनवर्स 1 अपॉन 5 था मैंने उसको किस में कन्वर्ट कर लिया 12 अपॉन 13 में, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स 12 अपॉन 13, और यहाँ अपन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, कोस इनवर्स 63 अपॉन 65 इंटू 12 अपॉन 13, यहाँ पे प्लस दिख रहा है तो क्या आ जाएगा माइनस रूट 1 माइनस 63 अपॉन 65 का स्क्वायर, और फिर 1 माइनस 12 अपॉन 13 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब नेक्स्ट आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन है तो आपको ध्यान रखना है, और ये कुछ कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल नहीं करना है, ध्यान रखना है अपने को, ये तो लास्ट में अपन इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, यहाँ है 1 माइनस, ठीक है।
अब 65 के स्क्वायर में से जब 63 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 256 आएगा। वो किसका रूट होता है, 16 का। तो यहाँ आ जाएगा 16/65। वो 13 के स्क्वायर में से जब 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, और 12 का 144, तो कितना आ जाएगा, 25। तो ये हो जाएगा 5/13, ठीक है। और अब देखो 16 × 13 और 16 × 13, इसलिए बोला था मैंने कि आप इसको चेंज मत करना, कैंसिल मत करना, ठीक है। यहाँ 63 × 12 माइनस 16 × 5, तो ये कुछ इस तरीके से बन गए। अब अपन इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास है वो वैल्यू आ जाएगी 4/5। इसको कैंसिल कर लेना आप, तो आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, 4/5 मिल जाएगा कोस इनवर्स में, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना, मैंने डायरेक्ट इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पे मुझे 3/5 दिख रहा है, ठीक है। तो ये इसका परपेंडिकुलर कितना हो गया, 3। तो क्योंकि ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बट्टा क्या होता है, कर्ण। तो बेस सीधी सी बात है कितना होगा आपके पास, 4 होगा, ठीक है। तो इसको साइन इनवर्स में चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/5, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कोस में क्या चाहिए, इसका बेस, और यहाँ पे क्या हो गया, ये हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको साइन इनवर्स में चेंज कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे जब अपन x की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो मोस्टली पॉजिटिव वाली वैल्यू है वही आपके पास इक्वेशन को सेटिस्फाई क्यों करती है। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 15, ये 2019 में ही आपको पूछा हुआ है। अब आपकी जो बारी है, 2020 का एग्ज़ाम होने वाला है, शायद एग्ज़ाम आपका जुलाई में हो, जैसे CBSE ने टाइम टेबल रिलीज करा है उस हिसाब से। और आपको ये नोटिस करना है कि जो मैं 5 सालों के आपको बोर्ड के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसमें से आपको लगातार 3-4 सालों में आपको वही क्वेश्चन देखने को मिले हैं जिसमें आपको एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और एक्स की जब आप वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आंसर आते हैं। तो इस क्वेश्चन को करोगे तब भी आपको यहाँ पे 2 आंसर मिलेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपको पॉजिटिव वाली वैल्यू क्यों कंसिडर करनी है, ठीक है। तो यहाँ एक्स की वैल्यू अपने को फिर से कैलकुलेट करनी है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई है। तो यहाँ पे टेन इनवर्स 3x + 2x/1 − 3x × 2x × xy कर देंगे, ठीक है। इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/4। अब टेन इनवर्स को इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, टेन π/4, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। 3x + 2x कितना हो जाएगा, 5x, और 1 − 3x × 2x कितना हो जाएगा, 6x2। आपके पास क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, द्विघात समीकरण, 5x1 − 6x2। इसको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो हो जाएगा 6x2 + 5x − 1 = क्या हो जाएगा, 0। अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टर कर लो या फिर श्रीद्राचार्य मेथड से सॉल्व कर लो। मैं फैक्टर कर लेता हूँ तो मुझे चाहिए −6x2, तो मैं +6x और −x ले लेता हूँ, ठीक है ना। ध्यान रखना है हर बार आप जब आपको 5x दिखता है तो आप 3x और 2x ले लेते हो, बट ध्यान रखना 3x और 2x लोगे तो प्लस का 6x2 आएगा, मुझे क्या चाहिए, माइनस का 6x2 चाहिए। तो यहाँ पे मैं 6x को कॉमन ले लेता हूँ तो x + 1 आ जाएगा, और −1 को कॉमन ले लूँगा तो x + 1 आ जाएगा। तो x + 1 और 6x − 1 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, −1, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/6। तो x की वैल्यू 1/6 है वो करेक्ट आंसर होगा, −1 है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि माइनस वाली जो वैल्यूज़ है वो सेटिस्फाई क्यों नहीं करती है। एक एग्जांपल से कंसिडर करते हैं, जैसे टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का जो फॉर्मूला है वो अपन ने पढ़ रखा है कि टेन इनवर्स x + y/1 − xy होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये अपने जो फॉर्मूले आपकी बुक में प्रिंट हो रखे हैं ये फॉर्मूले अधूरे हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक अपन लिमिटेड क्राइटेरिया के अंदर पढ़ते हैं, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो आपको ध्यान रखना है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अपने पास कुछ क्राइटेरिया होती है, लिमिटेशंस होती है, क्योंकि कोई भी जो त्रिकोणमितीय फलन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो 1-1, 1-2 नहीं होता, एक एक या अच्छादक नहीं होता है। तो उसका जो इनवर्स है, उसका प्रतिलोम है, वो अस्तित्व में नहीं होता है। फिर भी अपन ज़बरदस्ती उसका क्या पढ़ते हैं, इनवर्स पढ़ते हैं। तो लिमिटेड अपने पास रेंज होती है, उसके अंदर पढ़ते हैं। वो आपकी बुक में भी स्टार्टिंग में मेंशन है कि साइन इनवर्स की रेंज क्या है, कोस इनवर्स की रेंज क्या है, कोस इनवर्स की 0 से π के बीच में होती है। तो वैसे ही आपको ध्यान रखना है, ये जो भी फॉर्मूले आपकी बुक में
आपको दिख रहे हैं उनके लिमिटेड कंडीशंस है। जैसे इस वाले फॉर्मूले की मैं बात करूं तो यहाँ पे कंडीशन है कि एक्स वाई का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होना चाहिए, लेस देन वन होना चाहिए। कि एक्स और वाई को जब मैं गुणा करूँ तो उनका जो गुणा है वो एक से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे मैं सपोज करो माइनस वन वैल्यू कंसिडर करता हूँ, तो यहाँ पे मैं माइनस वन पुट करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस थ्री, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस टू। और माइनस थ्री और माइनस टू को मीन्स एक्स और वाई को मैं आपस में क्या करूँगा मल्टीप्लाई, तो माइनस थ्री इंटू माइनस टू आपको क्या मिलेगा प्लस सिक्स मिलेगा, वो क्या हो जाएगा अपने पास ग्रेटर देन वन हो जाएगा उसकी वैल्यू। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको मोस्टली पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ को कंसीडर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।